अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज जुमेरात का दिन है और शाम के 5 बजे का टाइम है। पिछले 3-4 घंटे से ये स्नोफॉल का सिलसिला चल रहा है और इसके साथ बारिश भी है। वक्फे वक्फे से कभी स्नो शुरू हो जाती है, कभी बारिश शुरू हो जाती है। अब देख सकते हैं कोई 3-4 इंच तक ये अभी तक पड़ चुकी है स्नो। तो इस सिचुएशन में काम धंधा करना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और जो लास्ट वीक स्नो पड़ी थी उसमें थोड़ा सा क्या सीन था, सीन ये था कि वो जैसे रुई होती है नरम नरम सी, लेकिन इस बार जो अभी पड़ रही है ये इस गंदम के दानों की तरह है, ये सर में लगती है क्योंकि इसके साथ बारिश है। बारिश के जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिरने से पहले फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे लाइक रेत के दाने होते हैं इस तरह से गिरते हैं। तो साथ साथ ये सफाई भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी पड़ चुकी है इसके ऊपर, ये 4-5-6 इंच तक हो गई है। तो अभी ये कुछ 3-4 घंटे और चलनी है, वेदर फोरकास्ट में आ रहा है, और कल रुक जाएगी, परसों फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्नोफॉल के बाद जब हल्की सी बारिश हो जाती है तो एक बर्फ़ की लेयर जम जाती है रोड्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से क्या होता है रोड स्लिपरी हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि एक बंदा इंक्लाइन, एक गाड़ी, छोटी सी गाड़ी है, इतनी बड़ी नहीं है, ऊंची नहीं है, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रोड स्लिपरी होने की वजह से टायर जो है वो स्लिप कर जाती है। इवन कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो भी कोई 1500-2000 cc होगा, तो स्लिप की वजह से वो वर्क नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम होती है स्नो देखने को, तो इन्जॉयमेंट की हद तक बहुत अच्छी है, लेकिन ये फिर चलने फिरने में, ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम करती है अगर इसको टाइमली इसको रिमूव ना किया जाए, रोड साफ़ ना किए जाए। तो अभी कुछ देर तक रोड साफ़ करने वाले आ जाएंगे, क्लीन हो जाएगा।